हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आप सभी को वेलकम है मेरा नंदिनी प्रेगनेंसी टिप्स पे। तो आज मैं फिर से एक न्यू टॉपिक लेके आ गए हैं। बिल्कुल खास टॉपिक है जिनका प्रेगनेंसी कंसीव जल्दी नहीं हो पाता है, PCOD होता है या फिर अदर कोई प्रॉब्लम होता है थायराइड से रिलेटेड, या फिर बहुत लोगों का बहुत वजन बढ़ जाने के कारण से भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होता है। PCOD तो खैर उसमें भी वजन बढ़ता है, लेकिन PCOD नहीं है फिर भी वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा टिप्स है और घरेलू उपाय है जिससे आपका प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो जाएगा। तो ये वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, हर नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, क्योंकि मेरा PCOD प्रेगनेंसी टिप्स पर ही वीडियो जाता है। PCOD हो या फिर PCOS हो, थायराइड हो या अदर कोई प्रॉब्लम हो या फिर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होता है, उसमें वीडियो जाता है। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि मेरा कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है, क्योंकि ये चीज़ पर्सनली हम पे भी बीता है, क्योंकि मैं भी PCOD प्रेगनेंसी कंसीव की हूँ। अभी तक मुझे PCOD है, फिर भी मेरे पास एक बेबी भी है, तो इसीलिए मैं आपको हर एक पॉइंट, हर एक बात बहुत ही सिंपल तरीके से बता दी। बहुत सारी महिलाओं को मेरे पास कमेंट्स आ रहा था कि दी आप कौन सा दवा यूज करती थी PCOD में जिससे आपका बेबी को जल्दी कंसीव हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि मैं कौन सा दवा यूज़ करती थी, कौन सा सिरप यूज़ करती थी, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप बहुत हेल्दी खाना खा रहे हैं तो आप हेल्दी खाना बंद कर दीजिए, नॉर्मल खाने खाइए, जो घर का खाना होता है वो खाना खाइए, जिससे आपका इम्यूनिटी पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मजबूत रहेगा। क्योंकि बाहर का जो भी आप खाना खाइएगा तो उससे आपका वजन बढ़ेगा और उसमें ज़्यादा ऑयल रहेगा, आप बहुत ही कम ऑयल में खाना बनाइए। अगर आपके घर में सरसों का तेल का खाना बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप नारियल का तेल में खाना बिल्कुल भी मत बनाइएगा, सरसों के तेल में ही खाना बनाइएगा। क्योंकि नारियल का तेल में मतलब उससे क्या होता है, ऐसा माना जाता है, डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कि उसमें फैट ज़्यादा रहता है। तो आपको ये चीज़ कोई नहीं बताया होगा कि नारियल के खाना तेल से खाना नहीं बनाना है। ये चीज़ शायद कोई संजोग में बताते हैं, क्योंकि ये सब बहुत ही एक एक पॉइंट है, तो ये किसी को मतलब जानते तो सब है लेकिन किसी का दिमाग में आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है। तो मेरे पास अभी ये चीज़ था, मुझे मेरे डॉक्टर बताए थे, तो इसीलिए मुझे याद आया तो आपको मैं बता रही हूँ। और थोड़ा सा वॉइस आपको साइड में मिलेगा लोगों का, तो यहाँ पे थोड़ा मेरे घर में अभी बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं, इसके वजह से अभी बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आ रहा होगा। तो आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ सही से सुनने में आ रही होगी, अगर नहीं आ रही होगी तो कॉमेंट्स कीजिएगा, मैं फिर से ये वीडियो अच्छे से बना कर डाल दूँगी। क्योंकि अभी मेरे घर में मेरी दादी का ये देहांत हुआ था, इसके वजह से मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रही थी। तो मैं आपको ये बता दी कि बाहर का खाना नहीं खाना है, और बाकी मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको कौन सा सिरप पीना है जिससे आपका पीरियड रेगुलर रहेगा। तो आपको सिरप PCOD है या फिर नहीं है या फिर नॉर्मल दिन है, फिर भी आपको ये सिरप पीजिएगा, उससे आपको पीरियड बिल्कुल रेगुलर रहेगा। जो मैं यूज़ करती थी वही सिरप आपको मैं बता रही हूँ, अभी तक मैं यूज़ करती हूँ, मैं आपको दिखा दूँगी वीडियो में। तो वो मैं सिरप का नाम बता रही हूँ, AV Care Fort, यहाँ पे पिक मैं दे रही हूँ, आप देख लीजिए, ये ही सिरप है जो मैं हर दिन पीती हूँ। मेरा पीरियड रहता भी है फिर भी मैं पीती हूँ, अभी तक मैं पी रही हूँ, और इसी यही दवा पीने से मेरा पीरियड बिल्कुल रेगुलर हो गया। और रेगुलर होने के, अगर आपका पीरियड रेगुलर होगा तो आपका बेबी कंसीव होगा, तो आपका अपना पीरियड रेगुलर रखना है। तो ये सिरप अगर आप पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं, क्योंकि मैं पी हूँ, तो मैं आप लोगों को फोर्स नहीं कर रही हूँ, मैं जो चीज़ मैं यूज़ की हूँ मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप लोगों को मुझ पर ट्रस्ट है तो आप लोग कीजिए, नहीं है तो मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, बाकी आप अपना डॉक्टर का इलाज लीजिए। लेकिन मैंने ये चीज़ किया है तो इसीलिए मैं आपको बता दी। बाकी मैं PCOD में कौन सी दवा यूज़ करती थी मैं वो आपको बता रही हूँ। मैं PCOD में नॉरमोज टैबलेट यूज़ करती थी, नॉरमोज, यहाँ पे उसका भी मैं पिक दे रही हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे, या फिर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैं आपका पिक दे रही हूँ तो आप लोग देख लीजिएगा। और यही दवा का PCOD का है, PCOD का दवा है, आप लोग खास करके सुन लीजिएगा, कोई और चीज़ का नहीं है, PCOD का दवा है, इसलिए आप सर्च भी कर लीजिएगा। और बाकी आपका PCOS
में भी ये दवा चल सकता है, थायराइड वगैरह है तो इसमें ये दवा नहीं चलेगा, या फिर आपका ये सब चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है या फिर नॉर्मल पीरियड ख़राब है तो उसमें ये आपको ये दवा नहीं चलेगा। आपका एविकेट फोर्ट चलेगा, सिरप चलेगा, लेकिन दवा नहीं चलेगा ये वाला, तो आप ये सब चीज़ का ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो ये अच्छा लगा होगा। ये वीडियो इतना ही मैं रखती हूँ, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और आगे क्या कॉमेंट्स में आपका राय है या आवाज़ जा रहा है नहीं जा रहा है वो ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखती हूँ, बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।